नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, सात हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। सात चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। सात चीजों से बचो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे, हलाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओ। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें नंबर पर फरमाया, यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे। फिर छठे नंबर पर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और सातवें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना।